हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइस, आ गई हूँ आप लोगों के साथ फुल डिटेल्स लेकर शांति निकेतन बोलपुर व्लॉग आप अभी देखने वाले हैं। गाइस, मैं ट्रेन में बैठी हुई थी और ट्रेन में आप आराम से एसी या स्लीपर या फिर अगर आप सिट चेयर कार वाला ऑप्शन लेके आप ट्रैवल करना चाहते तो वो भी ऑप्शन है। तो ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की इतनी खूबसूरत पेंटिंग, और ये है गाइस बोलपुर का शांति निकेतन का बहुत ज़्यादा फेमस कल्चरल डांस जो यहाँ की सारी औरतों को लगभग आता है। और ये हमने खाया था शांति निकेतन की फेमस थाली और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे किस किस होटल में आप रह सकते हो, कहाँ रह सकते हो, क्या कर सकते हो, मैंने पूरे सीरीज़ में शांति निकेतन का, अगर आप मेरा पूरा सीरीज़ देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ की फेवरेट मिष्टी दोई भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइज। तो देखिए गाइज, बोलपुर शांति निकेतन एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है। आप वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी रहो, आप आराम से ट्रेन पकड़ कर गाड़ी से किसी भी मोड से आप यहाँ आ सकते हो, बस भी अवेलेबल है। और अगर आप कैलकटा से आना चाहते हो तो आपको तो बहुत ट्रेन का ऑप्शंस मिल जाएगा, 2 से 3 घंटे में ही पहुँच जाओगे बोलपुर। और गाइज़, यहाँ की ना एक आपको बहुत अच्छी वाइब मिलती है, और क्योंकि हम ये जगह विंटर में गए थे और आप मॉनसून अभी आने वाला है तो आप मॉनसून में ज़रूर प्लान कर सकते हो शांति निकेतन, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और शांत लोकेशन है यहाँ पे। वाइब जो है ना वो बहुत अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा कल्चरली लोग यहाँ पे आपको इन्वॉल्व दिखेंगे। और गाइज, यहाँ का मतलब ट्रेन जो है ना शांति निकेतन बोलपुर स्टेशन में हमेशा एक के बाद एक के बाद एक आपको मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले से आपको टिकट कटवाना है या ऐसा कुछ, बस आप एक बार मूड बना लीजिए और यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और यहाँ की मिष्टी दोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही यमी है, आपको खानी चाहिए। तो गाइज, हम जब शांति निकेतन गए थे तो हमने सोनार झूरी हाट के बारे में बहुत कुछ सुना था, और हमें ये पता चला कि सोनार झूरी हाट अगर आप शांति निकेतन आ रहे हो और यहाँ मिस कर दिया तो बहुत बड़ा चीज़ आपने मिस कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो साड़ियाँ हैं, कुर्ती है, ब्लाउजेज है लेडीज़ की या फिर लड़कों के लिए कुर्ता पंजाबी, काफ़ी कम है। एंड स्पेशली साड़ी की बात करूँ ना गाइज, तो 200 रुपीज़ से साड़ी स्टार्ट होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत वैरायटी, बहुत कलेक्शन और इतना कुछ। और यहाँ की जो औरतें हैं ना वो एक अलग फॉर्म ऑफ डांस भी करती हैं। और देखिए ना, अपने माथे पे इन्होंने कितने अच्छे से ये पूरा पॉट बैलेंस किया हुआ है। और ये देखिए, ये है ब्लाउजेस, कुर्ती, और यहाँ की जो डिज़ाइन और मोटिव्स बनी हुई है ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको मिल जाएगा। अलग अलग साइजेस और सारी वैरायटी हर एज ग्रुप के लिए आपको मिल जाएंगी। यहाँ के लोग साड़ी पहनने के काफ़ी शौकीन हैं, और वो भी साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउजेस बहुत चलता है यहाँ पर। तो लेडीज़ जो भी ये वीडियो देख रही हैं, ये देखिए कितनी साड़ी साड़ी की वैरायटियाँ हैं यहाँ पे, मतलब ऑसम है कलेक्शन। और मतलब होते ना कॉटन की साड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे और इफ़ेक्टिव प्राइस में मिल जाएंगी। और जो हमने थाली खाया था ना यार, बहुत अच्छा था। आप सबको मैं ये बता देना चाहती हूँ, सोनार झूरी हाट में है राम श्याम रेस्टोरेंट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थाली मिलती है। और अगर आप ये सब जगह रहे, देखिए फ़िश भाजा, रुई माचे, ये पेटी पीस, जो भी जानते हैं मछलियों के बारे में उनको मैं समझ गए होंगे वो, बट बहुत सारा आपको क्वांटिटी में मिलता है। आई थिंक 200 या 250 रुपये ऐसी कुछ होगा थाली का प्राइस। आप वेज थाली ले लो, उसके साथ अलग से फ़िश ले लो, और दाल वाल पीतल के प्लेट्स में खाना सर्व करना, ओ माई गॉड गाइस, पुराने ज़माने की याद आ जाती है। और खाने का टेस्ट नेक्स्ट लेवल चला जाता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। आप राइस लीजिए, उसके साथ आलू पोस्तो है, उसके बाद लाल चटनी है मीठी वाली, साग है, उसके साथ बैगन भाजा है, इतना कुछ गाइस, इतना कुछ, और आपका मन हो जाएगा तृप्त। आपको अगर आ रहे हो तो थाली ज़रूर खानी है बोलपुर सोनार झूरी हाट पे। जो ये है मीला, फिर से दोबारा मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और कल हम लोग पूरा नहीं घूमे थे तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फिर से आया जाए। तो मैं आ चुकी हूँ, मुझे कुछ कुछ ब्लाउज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, कुर्ती साड़ी बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ कलेक्शन है इनके पास, तो मुझे घूमना था इसलिए हम आ गए। हमारा चेकआउट हो रहा है फाइनली, बट फिलहाल आपसे चेकआउट की बाद में करती हूँ, और पहले आपको सोनार झूरी जो मेला है वो दिखाती हूँ, और आप उसको देख के मुझे बताओ कि आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हो या नहीं। ओके, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो पे। और ये देखिए, सुबह सुबह हम मार्केट में आ गए हैं, 11:30 बज रहा है सुबह का, तो देखिए इस तरह का कुछ है। मम्मी पीछे रबड़ी खरीद रही है, लोकल वेंडर्स होते हैं ना यहाँ पे, रबड़ी काफ़ी मिलती है, 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ करके कुछ है। तो चलो, जैसे जैसे आगे बढ़ूँगी आपको सब कुछ दिखाते चलूँगी, बने रहिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए।
तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो आपको सेलर्स मिलेंगे ना, वो इतनी वैरायटी ऑफ साड़ीज, ब्लाउजेस, कुर्ती सब कुछ बेचते ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या खरीदूँ क्या छोड़ूँ। और ऑटो स्टैंड आपको ऐसे ही लगा हुआ यहाँ पे मिल जाता है। और गाइस मैं बात करूँ अगर मेरे रिजॉर्ट की, तो मैं कहाँ रुकी थी, तो मैं रही थी क्रिस्टेलो रिजॉर्ट में। और इसके पहले एक और दिन हमने रहा था रॉयल बंगाल शांति निकेतन में, जो कि स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। वो भी पूल रिजॉर्ट था, क्रिस्टेलो भी पूल रिजॉर्ट था। क्रिस्टेलो की गार्डन भी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। और इसकी मैंने पूरी फुल डिटेल वीडियो आपको दिखाया है, गार्डन विथ लॉन एंड दीज हट्स, जो इवनिंग में इतना खूबसूरत लगता है, रात में मैं आपको क्या बताऊँ। और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है इसका। तो मैंने दोनों ही होटल्स काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया था और तब लिया था। और ये देखिए छोटा सा क्यूट सा झूला, यहाँ पे बैठो मस्त इन्जॉय करो, और बारिश वाले टाइम पे भी आओगे तो बहुत मस्त लगेगा। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी झोपड़ी बनाई गई है, जहाँ पे आप आराम से अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बच्चों के साथ आइए, चिल करिए। एक डेढ़ दिन, दो दिन समर वेकेशन के बाद, अगर आपको मानसून में आते हो ना, समर में आएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी। गाइस मैं हूँ स्विमिंग पूल एरिया में ऑफ क्रिस्टेलो रिजॉर्ट बोलपुर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्विमिंग पूल, ऑसम गाइस। रात का अगर मैं आपको व्यू बताऊं ये क्रिस्टेलो रिजॉर्ट का, तो ये इतना खूबसूरत था, और ठंड में तो ये और मज़ेदार लग रहा था। अगर आप लोग मानसून में भी आओगे तो भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर इन्जॉय कर सकते हो। और सबसे दो बेस्ट सीजन्स अगर मैं बताऊँ तो मानसून और विंटर सीजन ही है, जब आपको शांति निकेतन बोलपुर आके बहुत ही सूदिंग सा एटमोसफियर मिलेगा, क्योंकि गर्म में अगर आओगे, समर्स में आओगे तो बहुत गर्मी लगेगी। तो ये एक मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ अपने तरफ से। और क्योंकि हम लोग विंटर में आए थे, और अगर आप मानसून में आओगे तो आपको ग्रीनरी मिलेगी, वो बारिश की गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है गाइस, क्या बताऊँ। और पूरी हरी भरी हो जाएगी सारी ट्रीज़, प्लांटेशन, सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, तो आपको उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये रिज़ॉर्ट। लेकिन जब एक और एडवाइस दूंगी कि जब भी बुक करो ना क्रिस्टेलो रिज़ॉर्ट या रॉयल बंगाल, जो हमने बुक किया था शांति निकेतन रिज़ॉर्ट जो स्टेशन के पास है, तो ये सब जब अच्छा रिज़ॉर्ट बुक करते हो तो पहले से प्यार बुक करो, वरना आपको अच्छा रूम्स नहीं मिल पाएगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और जो ज़्यादा प्राइस पे करके आप जो ज़्यादा अच्छा नहीं है रूम, उसमें रहना पड़ेगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। और गाइस रात को अगर आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, कपल्स जो भी यहाँ पे बैठते हो ना इस कॉटेज में, इतनी अच्छी सी लाइट यहाँ पे टिम 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 कर रही है, तो गाइस मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिमाग खुश हो गया यहाँ पे आके, मेरा आई एम स्पीचलेस। अगर आपको मैं फूडिंग की बात बताऊँ, देखो गाइस अच्छे रिजॉर्ट में तो आपको हर तरह का खाना मिल जाता है, चाहे इंडियन, मुगलाई, चाइनीज़, कुछ भी। और चाइनीज़ में अगर आप खाओगे, जैसे मैं क्रिस्टेलो रिजॉर्ट में हमने खाया था ये फ्राइड राइस, गार्लिक चिकन, बहुत टेस्टी था, काफ़ी सारे एग्स भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खाना था। और ये देखिए गाइस रात की ये टिमटिम में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था क्रिस्टेलो रिजॉर्ट शांति निकेतन, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और गाइस आई होप आपको ये वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें शेयर किया, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।